एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. इसका मतलब क्या है कि टैन ए की वैल्यू हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. सो टैन और कॉट का कोई एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है? 1 बाय कॉट इज टैन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट. टैन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए. तो इसका डायरेक्टली अगर एक दूसरे से रिलेशन है तो मैं टैन के जगह लिख सकता हूँ 1 बाय कॉट. हमको आंसर कॉट के फॉर्म में चाहिए. और किसका चाहिए? सेक का चाहिए. तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. एक फॉर्मूला है. तो यहाँ पे टैन के जगह मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ 1 प्लस टैन थीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन कॉट के. तो उसकी जगह लिख दिया स्क्वायर दोनों का, 1 का स्क्वायर 1, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई. सो हमारी sec स्क्वायर ए की वैल्यू आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके cot स्क्वायर ए प्लस 1 cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर. अब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा. लेकिन हमको लिखना नहीं क्योंकि हमको वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए? cot के ही फॉर्म में चाहिए. तो उसको ऐसे ही रहने देना है. सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ रूट, क्योंकि हमको sec a की वैल्यू चाहिए. ये हमारा sec स्क्वायर a. तो हमारा आंसर आया sec a इज इक्वल टू, दोनों तरफ मैं जब रूट लेता हूँ तो यहाँ पे क्योंकि संख्या डबल है नीचे की तो ये रूट के बाहर निकल जाएगी. सो मेरा आंसर आया नीचे रूट से बाहर संख्या, ऊपर की संख्या मेरी वैसे ही है. तो ये आ गया मेरा sec a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot a. बचा कौन सा? साइन. सो साइन अगर मुझे sec पता है तो इसका मतलब मुझे cos भी पता है. tan की वैल्यू भी है हमारे पास. तो tan मतलब sin बाय cos. तो इसके ऊपर से कर सकते हैं क्या हम लोग? कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे पास sec की वैल्यू है, sec मतलब क्या होता है? cos का ऐसे ही होता है. तो इसको अगर मैं sec को उल्टा कर दूंगा तो मेरे को cos की वैल्यू मिल जाएगी. सो cos की मेरी वैल्यू क्या आई? cot a अपॉन अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1. ये हो गई cos की वैल्यू. लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? sin स्क्वायर की. तो अब मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. और यहाँ से मैं sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालता हूँ, इसको इस तरफ ले लेता हूँ, माइनस कर देता हूँ. सो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a. cos a की जगह उसकी वैल्यू ये वाली मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मेरा आंसर आएगा आगे अगली स्टेप sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a की वैल्यू डालनी. cos a की वैल्यू क्या है? cot a अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1. इसका करना है स्क्वायर, cos स्क्वायर a. अब जब ये स्क्वायर करूँगा तो ऊपर cot का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ बचेगा cot स्क्वायर a प्लस 1, स्क्वायर रूट कैंसिल. क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. सो sin स्क्वायर a इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, cot स्क्वायर a प्लस 1 माइनस cot स्क्वायर a. नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? cot स्क्वायर a प्लस 1. ये cot स्क्वायर a प्लस 1 प्लस माइनस कैंसिल. ये हमारा आंसर आ रहा है sin स्क्वायर a का 1 बाय cot स्क्वायर a प्लस 1. अब दोनों तरफ ले लिया रूट. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. sin a का आंसर आया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1. क्योंकि 1 ये 1 का स्क्वायर है तो 1 बाहर आ गया. ये तीनों वैल्यूज हमारे डाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a. सारी ही वैल्यूज sec के फॉर्म में लिखना. तो cos का मैं आंसर क्या लिखूंगा? 1 अपॉन sec a. अब tan का अगर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, tan का मतलब क्या होता है?
ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, देखो साइन अपॉन कॉस ये भी कर सकता हूँ। अगर ये नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे मुझे टैन की वैल्यू निकालनी है, वन यहाँ पे गया, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, दोनों तरफ ले लेता हूँ रूट, तो अंडर रूट ऑफ टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सो इसका मतलब टैन ए का मेरा आंसर कितना आया, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। टैन ए भी मिल गया, कॉस ए भी है, टैन और कॉस अगर दोनों पता है तो साइन भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, टैन का फॉर्मूला क्या है, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है तो इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब टैन इंटू कॉस इज इक्वल टू साइन, टैन की वैल्यू डाल देता हूँ कॉस की वैल्यू डाल देता हूँ, दोनों वैल्यूज है हमारे पास, ये हमारी कॉस की वैल्यू है, ये टैन की वैल्यू, ठीक है, कहाँ है ये वैल्यू, ठीक है वैल्यू डाल रहा हूँ। सो टैन ए के जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये वैल्यू मैंने डाल दी टैन ए की, और कॉस ए की क्या वैल्यू है, वन अपॉन सेक ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है साइन, तो आ गया मेरा साइन ए का आंसर। साइन ए का आंसर क्या आया, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। सो साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टैन ए हो गया, क्या क्या बचा है, कॉस ए बचा है, तो कोसेक को क्या होता है साइन का उल्टा, इसी को उल्टा कर दूंगा कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसका मतलब मेरी कोसेक की वैल्यू आई, इसको उल्टा कर दिया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सभी हो गया, बचा सिर्फ कॉट। सो अगर टैन पता है तो कॉट भी पता है, टैन को उल्टा कर देंगे, टैन है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि भैया कॉट ए की वैल्यू जो है वो टैन के रेसिप्रोकल होती है, अगर मुझे टैन की वैल्यू पता है तो मुझे सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर आया वन अपॉन अंडर रूट सिक्स स्क्वायर ए माइनस वन, याद ही कॉट की वैल्यू, क्लियर। चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, 9 sec square a minus 9 tan square a, एक फॉर्मूला हमारा है कि 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, so अगर मैं sec square minus tan square करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 1, अगर इसमें से मैं 9 को कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचता है sec square minus tan square, जिसका कि आंसर कितना आता है 1, फाइनल आंसर इज 9, ठीक है। चलो इसके ऑप्शन में इतना भूल गए हैं, चलो ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके 1 बाय कॉस सेटर ले सकते हो, कॉटेनी कॉस सेटर ले सकते हो, इसका मतलब सबको साइन कॉस के फॉर्म में लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने लिखा 1, tan को किया sin by cos, sec को किया 1 by cos, ये 1 वैसे ही, cot मतलब क्या हुआ cos by sin, cosec मतलब 1 by sin। अब यहाँ denominator सेम करने के लिए यहाँ पे cos से multiply कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो denominator सेम हो जाएगा, तो ये हुआ cos theta by cos theta plus ये ऐसे कैसे sin by cos प्लस वन बाय कॉस, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे साइन से इंटू करता हूँ ऊपर नीचे, तो ये आया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके नीचे वन था कुछ नहीं है, तो प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, यहाँ ब्रैकेट में साइन थीटा कर दिया, यहाँ ब्रैकेट में कॉस थीटा कर दिया। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो मुझे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह की जरूरत नहीं है, तो ऊपर मेरा क्या आ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो ऊपर क्या आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ तक दो। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो,
या तो फिर अगर फॉर्मूला लगाना आ गया तो आसानी से आ जाएगा, ये दोनों संख्या हमारी सेम है ऊपर की, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जगह ही इधर उधर है तो प्लस ही। सिर्फ साथ में यहाँ एक संख्या प्लस एक है और यहाँ पे माइनस एक है, तो इसको मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रेस्वर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। नहीं समझ में आया ये तो क्या करो, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को इंटू करो, पहले कॉस थीटा से पूरा ब्रैकेट को इंटू कर दिया, फिर प्लस साइन थीटा से पूरा ब्रैकेट को इंटू कर दिया, फिर प्लस वन से पूरा ब्रैकेट को इंटू कर दिया। ठीक है, वैसे कर दो, नीचे तो नीचे का ही मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका आंसर कार्तिक बताओ क्या आएगा ब्रैकेट का? सोरा कैसे करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है? तू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब पहला टर्म, बी मतलब दूसरा टर्म, कार्तिक ए मतलब पहली संख्या, साइन थीटा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ए इंटू बी मतलब टू इंटू साइन इंटू कॉस प्लस बी का स्क्वायर मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, साथ में माइनस वन वैसे के वैसे ही नीचे है डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं दिख रहा है तुमको कुछ जगह कोई बदल दो उधर आ जाओ, नहीं तो आगे बैठ जाओ, दिख रहा है वहाँ से? आगे सॉल्व करेंगे इसको, कुछ कर सकता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सो अगर कॉस स्क्वायर माइनस वन करूँगा, इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, कॉस स्क्वायर माइनस वन चाहिए तो साइन स्क्वायर को इस तरफ लाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन स्क्वायर, तो इसके जगह लिख रहा हूँ माइनस साइन स्क्वायर। ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही है, प्लस ये टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, इसको मैंने प्लस लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का आंसर क्या आया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये प्लस और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा लगा वन लिया, एक ही बात वैसे भी कर सकते हो जो आसान लगता है। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, सो आंसर कितना आएगा? टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, सेक को लिखता हूँ 1 by cos, tan को लिखा sin by cos into 1 minus sin, denominator already same है, तो ऊपर क्या रहेगा 1 plus sin, नीचे cos into 1 minus sin, नीचे 1, या तो multiply करो या तो formula लगाओ, a plus b into a minus b is ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग रहा है, सो आंसर क्या आएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे कॉस ए, क्लियर? अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमारा आंसर आता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो एक कॉस कैंसिल, सो हमारा आंसर आया कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला ही लगा देता हूँ डायरेक्टली, हमारे पास दोनों के ही फॉर्मूले हैं, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का भी है और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का भी है। वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब sec मतलब क्या है? वन बाय कॉस, सो sec स्क्वायर मतलब क्या हुआ? वन बाय कॉस स्क्वायर,
कोसेक मतलब 1 बाय साइन, तो कोसेक स्क्वायर मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर। जब चार टर्म्स आती है डिवाइड की तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की दोनों संख्या वैसे ही लिखते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके इसको करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय 1। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर मतलब क्या आया आंसर, टैन स्क्वायर। क्लियर? ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान दो सर। अब ये क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले LHS, आठवीं वाले तुम जाओ कर लो, cosec theta माइनस cot theta स्क्वायर LHS है। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं रहता है कि ऐसे ऐसे करना है और फिर अपना ऐसे ऐसे आंसर आएगा। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, इसका एक हमारा मेथड रहता है, ऐसे करो वैसा करो, कैसी संख्या ढूंढो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा, प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बनेगी, फिर पहली संख्या ऐसे ही लिखो, आखिरी की ऐसे ही लिखो, इसके जगह लिखो -3x + 2x, फिर कॉमन निकल दो, एक फिक्स मेथड थी। वैसे इसमें कोई फिक्स मेथड नहीं रहती कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हमारे जो दो चार फॉर्मूले हैं जिन जिन के बस उतना ही फॉर्मूला हमको लगाना है, जहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर सकते हो वो करना है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हो, किसी मेथड से आंसर पट से आ जाएगा, किसी मेथड से टाइम लग जाएगा, किसी मेथड से आएगा ही नहीं। अगर नहीं आ रहा है समझ लो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो समझ लो कि कुछ तो भी गड़बड़ हमने कर दिया, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन को, दूसरा करके देखना पड़ेगा। अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, cosec theta माइनस cot theta मेरे आंसर में ऊपर cos और नीचे भी cos, 1 माइनस cos 1 प्लस cos ऐसा चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, cosec को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन क्या रहता है, cosec मतलब 1 बाय साइन, और cot मतलब क्या होता है, cos बाय साइन। तो मैंने ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि डिनोमेटर सेम है तो ये क्या हुआ, 1 माइनस cos बाय साइन स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। अब लेकिन साइन स्क्वायर, इसके जगह मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगी, वो वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर का मेरा ब्रैकेट वैसा ही है। अब यहाँ मैं फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कार्तिक इसको फॉर्मूला लगाओ, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, अगर दो स्क्वायर है बीच में माइनस है तो क्या करना है, एक ब्रैकेट में उनको प्लस लिखना है, एक ब्रैकेट में माइनस लिखना है, जिनका स्क्वायर है उनको। यहाँ स्क्वायर किसका है, 1 का है और cos थीटा का है, तो एक ब्रैकेट में लिखना है 1 और cos थीटा के बीच में प्लस, एक ब्रैकेट में लिखना है 1 और cos थीटा के बीच में माइनस। अब ये ब्रैकेट ऊपर 1 माइनस cos थीटा वाला डबल 2 टाइम्स है, नीचे एक टाइम है, तो ऊपर नीचे का एक एक ब्रैकेट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा। आ गया देखो हमारा आंसर, ये हमारा LHS का आंसर आया और यही हमारा RHS दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। डाउट? क्वेश्चन